ठीक है, क्या कर बाबू 10 सेकंड के लिए, कोई गाड़ी बाबू 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए किस स्पीड से जा रहा वो, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, है ना बाबू। सोल्यूशन बाबू सोल्यूशन समझना समझना, इसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ये गाड़ी हो गया शैतान, ठीक है, ये चला बाबू, ठीक। क्या कर रहा सर 10 सेकंड के लिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब किस स्पीड से जा रहा वो, किस वेलोसिटी से जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा। कितना सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो मान लो पोजीशन ए हो गया सर, पोजीशन बी हो गया, तो कितना हो गया 10 सेकंड हो गया। 10 सेकंड के लिए कैसे चला सर 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रहेगा, वो वेलोसिटी ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यही होता है ना बाबू, कॉन्स्टेंट जब वेलोसिटी रहेगा वो एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड से जा, ना ही तेज कर रहा ना ही स्लो कर रहा, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस पीरियड में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना बाबू। इस पीरियड में मन सद पढ़ना धर्मवीर है कि भाग्य से था, समझ में आता है धर्मवीर। शिवानी वीडियो ऑन करो ना बाबू, कहा बीपी मेरा हाई करवा रही हूँ शिवानी। चलो ठीक है, जब भी बाबू कोई गाड़ी बाबू कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस केस में एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो 10 सेकंड में कितना दूर चल जाएगा बाबू, 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब क्या, बात समझो, कोई भी चीज बाबू डाटा से निकाल, 10 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब क्या, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, 100 मीटर जाएगा, इतना ही जाएगा बाबू। अरे मेरे लाल, 10 मीटर पर सेकंड कहने का मतलब क्या, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना, 100 मीटर। आइसू लगा सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा बताओ बाबू, स्पीड वेलोसिटी इंटू टाइम होगा, यही होगा ना, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा ना बाबू। हाँ सर, ये तो पढ़ाए ना बाबू, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक। वेलोसिटी कितना दिया हुआ सर, 10 दिया हुआ, मीटर डिवाइड बाय सेकंड, इनटू टाइम कितना दिया, 10 सेकंड, सेकंड सेकंड कैंसिल, कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड में कितना दूर चल जाएगा सर, 100 मीटर चल गया 10 सेकंड में, क्या गया, अभी जो डाटा पहला दिया हुआ था उसी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, 10 सेकंड में कितना गया सर, 100 मीटर चल गया, यहां से 100 मीटर चल गया, है ना, ठीक। वही कह रहा, एयर कार मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड, 10 सेकंड के लिए चला, इतना दूर हो गया। नेक्स्ट, अलोंग ए स्ट्रेट रोड, कैसा रोड है, स्ट्रेट रोड है, इतना तक हो गया आपका काम, क्वेश्चन पढ़ना है समझना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, देन इट मूव बाबू विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद क्या बाबू, यहाँ तक पहुंच गया ना, इसके बाद बाबू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जा रहा, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था, आगे क्या, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, क्या बाबू, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कितना एक्सीलरेशन दिया हुआ सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है, और जब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो कुछ नहीं, जीरो होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट के बाद नहीं हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना बाबू। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, है ना, और एक्सीलरेशन जो भी हम लोग इक्वेशन तीनों पढ़ाए हैं, जो भी मोशन का तीनों इक्वेशन पढ़ाए, वो तभी वैलिड है बाबू जब एक्सीलरेशन आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा उसके लिए इक्वेशन वैलिड नहीं है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए वेरिएबल होगा तो तीनों में से कोई इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हाँ, वैल्यू नहीं करेंगे उसको, हम लोग फिर जर्क कहेंगे, एक्सीलरेशन जब वेरिएबल हो जाता है तो उसको हम लोग जर्क कहते हैं, एक नया टर्म आता है जर्क, है ना, तो वो अभी हम लोग 10 तक हमको नहीं टच करना, 11 में टच करेंगे उसको। अभी आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे लिखा हुआ रहेगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट इनफॉर्म रहेगा, जब भी रहेगा एक्सीलरेशन इनफॉर्म रहेगा, एक्सीलरेशन नॉन इनफॉर्म रहे नहीं करेगा, नहीं रहेगा आप लोग को, क्लास 10 तक नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। 10 में तो पढ़ने नहीं है, 9 में पढ़ना नहीं, तो एक बार 11 में पढ़ना। तो क्या कह रहा बाबू, क्या कह रहा है यहाँ, क्या क्या कह रहा है, इनफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन कितना दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना, ठीक बाबू। फॉर 5 सेकंड, कितना देर के लिए चला बाबू, 5 सेकंड, तो मान लो यहाँ से बाबू चलना शुरू करेगा तो कितना सेकंड के लिए चला, 5 सेकंड के लिए, है ना, ठीक है, एकदम समझ समझ कर पढ़ना, इसी हो गया। तो यहाँ टाइम कितना लगा, 5 सेकंड लग गया, क्या लग गया, 5 सेकंड लग गया। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 5 सेकंड,
मतलब ए से चलना शुरू किया सी तक पहुंचा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, और यहाँ पे गाड़ी जब पहुंचा सी पे तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या था, यहाँ से 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं बाबू, तो मान लो कि बीच में बस स्टॉप आई आ गया, पोल आ गया, खंभा आ गया, कुछ आ गया, तो यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी निकालने का रहा, मतलब क्या निकालने का रहा बाबू, भी निकालने का रहा, भी निकालने का रहा। देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो बाबू। जानवी शर्मा नहीं ऑन करो, अस्मित शिवानी क्यों बार बार बंद करते, शिवानी क्वेश्चन पहले समझिए उसके बाद कूटेंगे सर शिवानी। वीडियो ऑन करते हैं तो वीडियो ब्लर हो जाता है। अच्छा ठीक है, मम्मी से पूछते हैं कितना ब्लर। देखो क्वेश्चन क्या करो, क्वेश्चन पहले समझो बन जाएगा। कोई गाड़ी है बाबू, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, कितना से सर, 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक ठीक सर, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन क्या होगा सर, जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, तो 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, 100 मीटर चल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 100 मीटर चल गया, ठीक, वही से डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, वेलोसिटी इंटू टाइम 100 मीटर हो गया। वो पॉइंट बी पे पहुंचा बाबू, तो इसने अपना वेलोसिटी कांस्टेंट था, अब वेलोसिटी को बढ़ा दिया, वेलोसिटी चेंज हो गया, तो वेलोसिटी जैसी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी जैसी चेंज हो जाएगा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता, तो यहाँ से बाबू गाड़ी का सर एक्सीलरेशन मुझे ये बढ़ा नहीं दिया। समझ में आ रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड जो आप लिखे हैं सर वो आपको कैसे पता चला कि 1 सेकंड पे है। मैंने एल के जी वाला बात हो गया बाबू, कहीं भी बाबू 10 मीटर पर सेकंड है, फोर अच्छा सेकंड मतलब सर आपका आवाज कट कट क्या रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको पूरा ब्लर भी है। का डाटा क्या हो गया, खत्म हो गया डाटा, थोड़ा नो सर अभी 50% बच रहा है। डाटा बचाया, जे सेव डाटा सेव लाइफ, ठीक है, पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 सेकंड में 100 मीटर हो गया ना। अब इसके बाद क्या किया, गाड़ी चल रहा था, उसके बाद क्या किया, वो अपना स्पीड को चेंज कर दिया, स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ा दिया है ना, वेलोसिटी बढ़ा देगा, वेलोसिटी जैसे बढ़ाएगा गाड़ी को एक्सिलरेट करेगा तो एक्सिलरेशन आएगा, तो एक्सिलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से, तो कह रहा 5 सेकंड तक गाड़ी चलाए तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड तक, 5 सेकंड तक गाड़ी चलाए ना जी, तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी निकालना, ठीक है ठीक है बाबू, तो यहाँ तो बात समझ में आ गया, ठीक है, तो यहाँ से बाबू यहाँ का वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताओ, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना, वो एक्सीलरेशन दिया हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया बताओ, यहाँ पे बाबू 10 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कौन बता देगा, यहाँ पे वेलोसिटी जब कांस्टेंट से चल रहा है ना, तो ये भी वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड पर मीटर मतलब मीटर पर स्क्वायर। हाँ टेन मीटर हाँ 10 मीटर से जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, तो यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, और इसके बाद में वेलोसिटी बढ़ाया बाबू, एक्सेलेरेटर इंक्रीज किया है ना, तो जैसे एक्सेलेरेटर इंक्रीज करेगा तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा, एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो यहाँ का यू का वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलेरेशन पता है, टाइम पता है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, हमको क्या क्या दिया बाबू, फ्रॉम बाबू, फ्रॉम बी टू सी, कहाँ से बाबू, बी टू सी से है ना बाबू, यू की वैल्यू दिया हुआ है सर 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, एक्सीलरेशन दिया हुआ सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, ठीक, टाइम दिया हुआ बाबू 5 सेकंड दिया हुआ है ना, अच्छी बात है बाबू, ठीक, सर तो आपको टेन क्या, सेकेंड भी हाँ बाबू, तो आपको टाइम बाबू, अरे शैतान यहाँ से बी से सी में टाइम ड्यूरेशन ले रहे हैं, बी से सी में ले रहे हैं, टाइम दिया 5 सेकंड दिया, 5 सेकंड दिया है ना, 5 सेकंड दिया हुआ, ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो आपको फाइनल वेलोसिटी भी निकालना, तो भी बराबर क्या होता है सर, यू प्लस ए टी, मम्मी ये ही पढ़ाई ना है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू यू की वैल्यू कितना सर, यू की वैल्यू कितना बाबू, यू की वैल्यू कितना है, 10, 10 हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, प्लस एक्सीलरेशन कितना सर, 2 इंटू टाइम कितना बाबू, 5 सेकेंड, एक्सीलरेशन 2 हो गया सर मीटर टू पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया है ना, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, अब प्लस 2 इंटू 10, 10 मीटर एगो नीचे रहेगा ना वो, पर सेकंड हो जाएगा, लिखो धर्मवीर, समझा बाबू, धर्मवीर बाबू, धर्मवीर समझे बाबू कि सो रहा है, धर्मवीर बाबू, यस, तो एग्जाम निकल जाएगा ना वो, पहले एंट्रेंस का निकल जाएगा ना, आईआईटी वाला 11 में फॉर्म भरते हो,
सर साइड प्लीज। आईआईटी का फॉर्म भरते बाबू? नहीं सर। अरे शैतान, कंपटीशन से फेस का स्कूल के भरोसे क्यों जी रहे बाबू? स्कूल का तो पता है ना आपको स्थिति क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आज स्कूल में, क्या हुआ था बाबू? कुछ नहीं हो रहा सर। कुछ नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है? हो रहा मतलब टीचर ज्यादा नहीं आ रहे हैं। टीचर टीचर को पैसा देंगे तो ना आएंगे बाबू? पैसा देवे वाला चाहिए नहीं रहे बाबू तो कैसे होगा? सिंपल सी बात समझो बाबू, मान लो कोई टीचर, हर एक टीचर के बाल बच्चा है, तो जो टीचर का बाल बच्चा जब खुश, मतलब टीचर का पहले कोई भी टीचर हो अपने बाल बच्चा को देखेगा, उसके बाद आपको देखेगा, तो टीचर का बाल बच्चा तभी ना खुश रहेगा बाबू जब उसका बढ़िया से खाने पीने के लिए मिलेगा। यहाँ तो बाबू टीचर मैनेजमेंट खुद सोचता है कि 10,000 में मेरा काम चल जाए, तो टीचरों बाबू वैसे ही करेगा ना, 10,000 में आजकल लाइफ में कैसे कोई गुजारा कर सकता है? हम लोग तो बैचलर हैं तो चलो काम चल जाता है, लेकिन कोई भी फैमिली वाला हो तो 10,000-15,000 में नहीं गुजारा होगा। तो पहले कोई भी टीचर अपना बच्चा को देखेगा तब ना फिर आपको देखेगा बाबू, इसी कारण छोड़ देता है। रियल लाइफ यही है, रियलिटी यही है। किसी के अभी किसी पे समझे स्टूडेंट को क्यों ऐसे होता है सर, हम लोग भी तो फी दे रहे हैं ना। आप फी दे रहे बाबू, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो चाहता है मेरा एक स्कूल से 2 स्कूल से 3 स्कूल बने, ठीक है ना? ये मेन इशू है ना, आपकी गलती है, ठीक है ना, मैनेजमेंट की गलती होता है। सर अब हमारा पैसा तो जा रहा है लेकिन पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा भी नहीं है सर। क्या पैसा नहीं है, क्या बोल रहे आर्यन? ऐसा भी नहीं है सर। अरे अधिकतर जगह यही, मैंने सारे इसको, हम जितना स्कूल गए बाबू सारे स्कूल का यही है। अधिकतर में नहीं है ना सर। हम बाबू बहुत सारे स्कूल में गए, उसका 2-2 गो 3-3 गो ब्रांच है, लेकिन पैसा मांगो तो रोना धोना शुरू। सर नहीं है सर, 3-3 गो ब्रांच खुला, 3-3-4-4 गो बिल्डिंग है, इतना हाई फाई है, लेकिन नहीं है सर। नहीं है तो रखिए अपना 5,000-10,000 में खटिए। हम तो बहुत सारे स्कूल में गए ना, ये भी में आ जाइए सर। सर एलएन में आ जाइए आप, कम से कम तो सर एक बार आएंगे आएंगे, ठीक है ना? वो लास्ट ऑप्शन है, जब कहीं नहीं होगा तो वो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? और लास्ट ऑप्शन बचा के रखना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ कोटा आइएगा तो सर हर जगह आपको खाली, तो आपको इंस्टीट्यूट ही दिखेगा। हाँ बाबू, वो लास्ट ऑप्शन है, कोटा है कि लास्ट ऑप्शन है, ठीक है ना? नहीं कुछ हो पाया है ना, स्कूल से नहीं हो पाया तो लास्ट ऑप्शन है वो। अभी नहीं मूव हम लोग करेंगे, अभी हम लोग अपना सिस्टम ग्रोथ करेंगे। कोटा में रेजुलेंस हो गया और भी क्या 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 क्या? हाँ बहुत सारे बाबू, तलवंडी में बहुत सारे, ठीक है। इसको सोल्व करो, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है बाबू, अगला एक बार अटेम्प्ट करेंगे डीएवी में, ठीक है ना? इस बार तो पता नहीं क्या हुआ, नहीं है, नहीं पता चल पाया। एक बार डीएवी में अटेम्प्ट करते, देखते कितना देता नहीं देता। बाकी बिहार में कोई नहीं पैसा देता, वो हम देख ले, कोई नहीं पैसा देता, सब 25,000-30,000 इतना मैक्सिमम, उससे ज्यादा कोई नहीं देता। दिन भर कीजिएगा 30,000 में, ठीक है? डीएवी में 35-40 देता होगा केवी सर, केंद्रीय विद्यालय। केवी में बाबू ऐसे नहीं ना होगा, केवी के लिए बाबू आपको ये चाहिए ना, बहुत सारे ये ना गवर्नमेंट सेक्टर से पहले वहाँ पे आपको बाबू नीट ये डिग्री चाहिए, ठीक है ना? पहले बीएड का डिग्री चाहिए, फिर एमएड का चाहिए, बहुत सारे डिग्री चाहिए। केवी सेंट्रल हो गया ना बाबू, तो सेंट्रल वाला तो पैसा देंगे ही, हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो तो सेंट्रल हो, तो सेंट्रल वाले तो पैसा देगा ही, वहाँ तो बाबू पढ़ाई आप मत पढ़ाइए। सर है ना प्राइवेट सर ये? हाँ सर, केवी में पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, ठीक है ना? अब मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं है, मेरे पास इंजीनियरिंग का डिग्री है, ठीक है ना? बीएड कराएगा बैचलर इंजीनियरिंग, बीएड का डिग्री पे होता है सर डिग्री। अरे डीए भी तो प्राइवेट है बाबू, तो टैलेंट पे ले भी लेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल है वहाँ पे बाबू डिग्री आपको चाहिए, ठीक है ना? वो वहाँ टैलेंट नहीं देखता, वहाँ डिग्री देखता है। प्राइवेट में क्या आपके पास टैलेंट देखता है, यही अंतर होता है। नेक्स्ट बाबू,
तो हमको क्या निकालने का रहा सर, वेलोसिटी निकालने का रहा, तो वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, मम्मी क्या पढ़ाई है, 10 प्लस 10 कितना 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो यही वेलोसिटी पूछता, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो 100 मीटर ये और यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कौन निकाल देगा, बी और सी के बीच बाबू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बाबू, बताओ शिवानी डिस्प्लेसमेंट बाबू फ्रॉम, हाँ सर पूछिए, बी टू सी से बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बता दो, कैडबरी टॉप पे बता दो जल्दी से, अस्मिता हाय शैतान की चल गया, 10 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट बाबू मीटर होता है, मीटर पर सेकंड नहीं होता, कितना हो जाएगा धर्मवीर बता दो बाबू, आपको बाबू सारा डाटा दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बी और सी के बीच में बाबू डिस्प्लेसमेंट निकालना, कितना होगा धर्मवीर जल्दी बताए बाबू, 20 मीटर सर, 20 मीटर आ जाएगा बाबू, बी और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, हवा में बात मत करो बाबू, है ना, 10 में एक सेकंड में 10 है बाबू, तो 5 सेकंड में 50, ऐसे नहीं करना, ये वेलोसिटी तभी लगाना जब इनफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, यहाँ वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं है, यहाँ से s बराबर ut प्लस हाफ एट इसका फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करो, काहे वीडियो बंद है शिवांगी बता दो बाबू, शिवानी सर बोल तो रही हूं सर, वीडियो ऑन करने पे आपका पूरा ब्लर हो जाता है, अच्छा ठीक है, कितना आएगा कितना आएगा सर, 75 आएगा, हाँ मेरे लाल, सौम्या बाबू कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा बी से सी में बाबू, क्या सर बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा सर, अस्मिता नहीं बोलोगी बाबू, इसके मम्मी फोन करना पड़ेगा, अस्मिता नहीं बोलोगी बाबू, दिमाग में काम करता शैतान कहीं का, बताओ आर्यन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी, मम्मी है आर्यन बाबू की नहीं है, 75, एस बराबर क्या फॉर्मूला बताए आर्यन, इसको तो जाएंगे तो भर पेट पीटेंगे, एस बराबर क्या होता बताइए, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 50 मीटर हो जाएगा सर, 75, हाँ मेरे लाल, यहाँ से बाबू क्या 1/2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ठीक है बाबू, ये मीटर 25 है, ये कितना हो जाएगा मीटर मल्टीप्लाई 525 हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर है डिवाइड बाय कितना सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर का कैंसिल, 25 मीटर 50 मीटर 75 मीटर, लिखे 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 वो, तो इधर आ गया 75 मीटर, 75 मीटर आइए 100 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 100 प्लस 75, सतीश समझ में आता है बाबू, सतीश बाबू क्या बोल रहे बाबू, अरे बाबू 50 मीटर, 50 मीटर प्लस ये 25 आगे कर रहे हैं, 25 इनटू एम है मीटर है, 25 के नीचे ये एस है, सेकंड है मेरे लाल, सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर सेकंड है, सेकंड है 5 नहीं सेकंड है, ठीक है ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा बाबू, अब प्लस कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहला में 100 मीटर गया था ना बाबू, दूसरा में 75 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस 125 मीटर हो जाएगा, तो होम ट्यूशन वाला आ रहे हैं धर्मवीर बाबू पढ़ाने के लिए, कभी नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्या भी टॉपिक चल रहा है बाबू, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स में क्या चल रहा है सर, अब पहला चैप्टर का दूसरा चैप्टर चलेगा, चलो ठीक है बाबू।
100 मीटर बाबू, चलो ठीक है पढ़ो फिर तो पढ़ाएंगे। 75 मीटर कितना हो जाएगा, 175 मीटर। नेक्स्ट, अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। आर्यन मम्मी बाबू, आर्यन बाबू मम्मी, आर्यन गला सूख जाता बोलते बोलते, सोचा नहीं बोलता ना तो और गुस्सा बढ़ता। लिखो लिखो, नेक्स्ट बाबू हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है बाबू, पढ़ने लायक है ये सब। क्या मेरे प्रखर बाबू, कम से कम टाइम मोशन खत्म करो। अच्छा टाइम मोशन खत्म करो ना बाबू, अभी आपका एग्जाम है ना बाबू प्रखर, तो मैथ शुरू करेंगे तो फिर मैथ से आपका छूट जाएगा। इसको टॉपिकवा को तो खत्म करते हैं। आपका बुक में क्या क्या दिया शिवांगी, क्या क्या दिया शिवांगी एलन के बुक में? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिया बाबू। क्वेश्चन बन जाता है, देखते हो जैसे जैसे पढ़ा रहे हो वैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर वैसे से बन रहा है। चलो ठीक है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। सर हम लोग में ग्राफ है, ग्राफ है, एक मिनट सर, कहाँ गया मेरा बुक? आ रहा है बाबू, आ रहा है। अगला हेडिंग ग्राफ से देंगे, कुछ ना छोड़ेंगे। सर मुझे बुक ही नहीं मिल रहा है। अरे इससे इससे ज्यादा खतरनाक ग्राफ नहीं होगा बाबू, आपको देखो ग्राफ दिखाते हैं। सर मेरा जब एग्जाम खत्म हो जाएगा आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम देके सर रेशनलाइजेशन बता दीजिएगा। क्या बताया थे ए बैच में बता चुके हैं वो। सर साइड प्लीज लिखो लिखो, इससे ज्यादा खतरनाक ग्राफ नहीं होगा वो आपको हम दिखा रहे हैं इस्लाम के। देखो अगला क्वेश्चन ग्राफ तो ऐसे खतरनाक खतरनाक है ना। अरे शैतान, देखो ये पियर्सन का बुक है ठीक है ना, तो इसी से आपके आया ना बाबू 170, यही से क्वेश्चन करवाए हम अपना ठीक है ना। तो आपको सारे जगह से करवाते हैं। यहाँ दिख रहा है 175 मीटर? यस सर। तो ये पियर्सन का हो गया, और दिखाए बुक बाबू। सर देखिए मैं दिखा रही हूँ ग्राफ यहाँ से बाबू, इसका भी आपको हम करवा ही दिए, सारा बुक करवा दिए। ये वाला क्वेश्चन करवाए ना बाबू, करवाए कि नहीं करवाए? सारा फेयर करते चलना है ठीक है। सर देखिए ना ग्राफ। चलो ठीक है देख लेंगे, पहले इधर पढ़ते, पहले इधर पढ़ते हम लोग। अभी तो आपका वीडियो नहीं दिख रहा था बाबू, आजकल ग्राफ का वीडियो आने लगा, क्या बात है? क्या सर अभी तो आपका वीडियो नहीं दिख रहा? अभी मैं ये दिखा रही हूँ ना और आपका पूरा वीडियो। अच्छा ठीक है चलो हम लोग पढ़ते, बिना मतलब का क्यों करूंगी, वो भी भैया से वाईफाई लिया हुआ है मैं। अच्छा ठीक है चलो पढ़ते आगे, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लेंगे। यही सब है मेरे में। अच्छा नहीं दिखाई दिया ठीक है ना, पहले इसको लिखो। फोटो खींच के भेज देना खुश ठीक है शिवांगी। शिवांगी यस सर, फोटो खींच के भेज दीजिएगा ताकि क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा तो करवा देंगे, नहीं बढ़िया रहेगा। सर ये सब में ना खाली वही सब दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन लोग मैम पता नहीं कहाँ से बनवाती है। अच्छा भेज दीजिएगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर ऑनलाइन वाले में ना जो मैं ऑनलाइन की थी 8 में, तो उसमें क्वेश्चन भी था उसी में, लेकिन सर इसमें तो क्वेश्चन नहीं रहता है और टीचर्स लोग बोलते हैं कि मॉड्यूल लेके भी नहीं आने के लिए, अपने से करवाते हैं। हाँ वो खाना पूर्ति के लिए दे देंगे, क्या करोगे, पैसा उतना लेते हैं ना तो कुछ तो चाहिए ना बाबू दिखाने के लिए। खाली सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है सॉल्व किया हुआ। चलो ठीक ही है बाबू, हम लोग कब फेमस होते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग बाबू कंसेप्ट ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे ना, ग्राफ पढ़ेंगे। आपको हमने क्या पढ़ाया बाबू, सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आपको स्पीड के बारे में बता दिया, वेलोसिटी के बारे में बता दिया, एक्सीलरेशन के बारे में बता दिया, सारे टर्मिनोलॉजी बता दिया। अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे है ना, क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हेडिंग देख बाबू, ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है ना बाबू, ठीक है। तो पहले म्यूट कीजिए बाबू, जानवी शर्मा को पीटेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बाबू, ग्राफ है ना, ग्राफ है, तो ग्राफ में बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले हम लोग आपको बेसिक बता देते, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ग्राफ में क्या होता है बाबू, दो एक्सिस होता है, एक ये जो बाबू प्लेन में होता है ना, उसको हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल एक्सिस, है ना। जहाँ पे बाबू आई इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाबू वर्टिकल एक्सिस कहेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए ग्राफ में, नहीं तो बाबू नहीं हो पाएगा। ये जो बाबू 90 डिग्री पे बनाएगा, इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल एक्सिस, यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। ये है जो बाबू, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ठीक। शिवानी क्या कर रही है, शिवानी, शिवानी बाबू सर देख रहे हैं सर आप ही का बाबू, हमको कैसे पता चलेगा बाबू, यही तो सबसे बड़ा इशू। आर्यन बाबू इधर कौन है, इधर पॉजिटिव फेल होगा कि नेगेटिव फेल होगा, क्या होगा शिवानी बताइए बाबू। सर पॉजिटिव, हाँ इधर मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव बाई एक्सिस होगा, नीचे नेगेटिव बाई एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना समझना, नेक्स्ट यहाँ से बाबू जो कट होगा, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मान लो यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया, यहाँ थ्री हो गया, यहाँ फोर हो गया, यहाँ फाइव हो गया, यहाँ सिक्स हो गया, यहाँ सेवन हो गया, यहाँ एट हो गया, है ना, ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू, इधर पॉजिटिव है तो सारा का सारा क्या होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, इधर हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक। ये सारे बच्चे को आना चाहिए। इधर बाबू माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, है ना, तो इधर हम लोग निगेटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू अप में, अप में, अप में क्या बाबू, वन है, टू है, थ्री है, सब पॉजिटिव वैल्यू, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव बाई वैल्यू लेंगे, है ना, पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव का एक्स वैल्यू इधर लिख देते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, पॉजिटिव एक्स वैल्यू, ये निगेटिव एक्स वैल्यू होगा, इधर निगेटिव एक्स वैल्यू होगा ना, निगेटिव एक्स वैल्यू होगा, निगेटिव एक्स वैल्यू होगा, ठीक। उधर बाबू ओरिजिन के ऊपर हम लोग पॉजिटिव बाई वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव बाई वैल्यू लेंगे, और इधर क्या लेंगे, निगेटिव बाई वैल्यू, एक बात और ध्यान देना, कहीं भी बाबू कोऑर्डिनेट इस तरह से थ्री फाइव लिखा रहा है, तो थ्री मेरा कौन से वैल्यू बताएगा, बताओ शिवानी, सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव तो लिखा ले, कौन सा वैल्यू बताएगा थ्री, शिवानी क्या सर, थ्री मेरा कौन सा वैल्यू बताएगा, मान लो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा हुआ, तीन और पांच लिखा हुआ, तीन मेरा क्या बताएगा, सर निगेटिव एक्स वैल्यू, मेरे लाल हम जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए, ठीक है ना बाबू, इतना गर्मी, क्या पूछे सर, तीन पांच कोऑर्डिनेट में ऐसे लिखा होता, तीन मेरा क्या बताता है, पॉजिटिव वैल्यू, नहीं कुछ मेंशन है तो पॉजिटिव तो है बाबू, किसका वैल्यू बताएगा, पॉजिटिव किसका वैल्यू बताएगा, सर एक्स वैल्यू बाबू, पहले कोऑर्डिनेट के अंदर बाबू पहला वाला जो हमेशा होता है, एक्स सर, ठीक है ना, आपको नई एक्सेल जल डलवा दिया तो समझ बाबू, दिमाग पारा हाई हो रहा है। पहला हमेशा बाबू जब भी कोऑर्डिनेट में दो को टर्म रहेगा तो पहला हमेशा कौन सा टर्म होगा, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को और दूसरा वाई को, है ना, ये ध्यान है, जब भी थ्री फाइव लिखा रहे तो पहला जो हमेशा एक कसम खा लो, हम कसम खाते हैं सर कि कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी दो को नंबर रहेगा तो पहला नंबर हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा नंबर हमेशा बाई को रिप्रेजेंट करेगा, बाई वैल्यू को बताएगा, ठीक, ये हमेशा फिक्स है ना, ऐसे नहीं रहेगा, कभी बाई नहीं हो सकता, कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी दो नंबर है तो पहला एक्स को बताएगा, दूसरा बाई को बताएगा, ठीक।
सर अगर तीन डिजिट हुआ तो सर आप लोग को अभी नहीं पढ़ना, तीन डिजिट तीन बाबू तीन अभी हम लोग कहाँ यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक होता है जेड कोऑर्डिनेट है ना, देखो पेन समझो वो आपको नहीं पढ़ना। अरे शैतान रुको ना, जैसे बाबू ये हो गया पेन ऐसे समझो, ये क्या हो गया इधर एक्स एक्सिस हो गया इधर वाई एक्सिस हो गया, एगो थ्री डी शेप देखे ना बाबू, हम लोग टू डी प्लेन पढ़ना है ना, थ्री डी पढ़े जिसमें लेंथ भी आ जाए और ब्रेथ भी जाए हाइट भी आ जाए, तो एक ऐसे होता एक ऐसे होता एक ऐसे होता है ना, एक ऐसे होता ऐसे था ना, स्थिर होना, तो ये हो गया जेड एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस है ना, तो एगो और आ जाएगा तो जेड वैल्यू को बताएगा, एगो और आ जाएगा तो जेड वैल्यू को बताएगा, लेकिन क्लास टेन तक थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ना, दो को पढ़ना है ना, दो मैक्सिमम कितना नंबर हो सकता है सर? तीन कोऑर्डिनेट होता है, थ्री डी शेप हम लोग तीन को होता है, एक लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, थ्री शेप होता है बस, ज्यादा नहीं जाता ठीक। नेक्स्ट लो, ये एक्स वैल्यू हो गया, ये बाई वैल्यू हो गया ठीक, अच्छी बात है बाबू। जैसे बाबू अब बताओ माइनस थ्री है और फाइव है, तो ये कौन से, नेक्स्ट बाबू इसको कौन सा कोऑर्डिनेट कहेंगे बताओ शिवानी, आर्यन बताइए बाबू, आर्यन दो चार को ही फोन करना बहुत जरूरी है, आर्यन बाबू बताइए सर उसका बोले, प्रखर बाबू ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, प्रखर सूत गया, सभी सब शैतान सूत गया, सारे को फोन लगाते हैं अभी। सर मैं बताऊं? श्रुति कौन होगा बाबू? सर एक हो जाएगा निगेटिव एक्स का वैल्यू और एक हो जाएगा वाई वैल्यू। क्या होगा धर्मवीर बताओ बाबू, धर्मवीर ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा बाबू? बाबू ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको हम लोग कहते हैं। सर एक्सक्यूज मी साइड, अरे मेरे लाल आप तो साइड के पीछे दीवानी हो गए एकदम, शैतान लिखोगे समझोगे नहीं ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला इधर से हम लोग रोटेट करते हैं, ये होता है सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है थर्ड कोऑर्डिनेट और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ हो गया ये थर्ड हो गया, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बाबू इसमें कौन कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा बताओ धर्मवीर बाबू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन कौन सा? एक्स और वाई का सर। हाँ इसमें बाबू फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन है सर? ये एक्स ये वाई है ना, तो दोनों दोनों इस कोऑर्डिनेट पे दोनों पॉजिटिव ना बाबू, तो एक्स भी पॉजिटिव सर वाई भी पॉजिटिव, पहला हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा दूसरा हमेशा वाई कोऑर्डिनेट बताएगा ना, तो इसमें सर पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी निगेटिव, इसमें सेकंड में कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव बताओ बाबू जल्दी से जल्दी से। माइनस एक्स सर, माइनस एक्स निगेटिव प्लस वाई पॉजिटिव। हाँ एगो माइनस इधर भाई सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे, एगो इधर है एगो इधर है, माइनस प्लस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस है ना, एक्स नेगेटिव होगा बाई क्या होगा पॉजिटिव होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में बाबू माइनस 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 माइनस, ये बेसिक कांसेप्ट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में माइनस प्लस सर माइनस प्लस, अरे मेरा पहले एक्स की वैल्यू प्लस प्लस पहले हमेशा एक्स की वैल्यू को लिखेंगे, राइट डाउन करो बाबू इतना चीज, ये बेसिक कंसेप्ट है अगर आपका बनाना है। हाँ तो चलिए शैतान कौन गया, शिवानी अस्मिता आर्यन श्रुति केक बन गया, जानवी शर्मा नो सर नहीं बना रहे सर केक, अच्छा वो पता चल जाएगा, लिखो ना शिवांगी गप करने में क्या होगा, वो गप करने में लगाई है शैतान, लिखो ना खा रही है गप कर रही है, गर्मी में आदमी सीज रहा है खा के गप कर रही है, लिखे जल्दी से सर, गर्मी आज बहुत ज्यादा है सर मैं खुद सर, लेकिन आदमी खाए नहीं तो जिए नहीं, अच्छा ठीक है पहले लिखे, पढ़ने के लिए भी खाना जरूरी है, आर्यन नहीं बोलेगा बाबू, श्रुति काहे नहीं समझ में आ रहा, श्रुति सर ये सब तो श्रुति बाबू सर ये सब तो सर बैठती में सर, मेरे लाल लिखो ना बाबू, तो कहाँ याद है अभी आके ढूंढेंगे तब ना पता चलेगा, अच्छे से याद है सर बहुत अच्छे से याद है। हाँ श्रुति काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू, काहे रो रही श्रुति,
सर आ रहा है। तो फिर कंप्लीट हो गया सर? कर रहे हैं। कब का ये कुबेर का खजाना बाबू खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। नो सर, स्टार्ट ये कुछ दिन पहले ही हो जाएगा। जल्दी कीजिए। आपका शिवानी? यस शिवानी। हाँ सर। हाँ सर, नहीं सर फिर कंप्लीट हो गया फिजिक्स वाला बाबू। सर टाइम कहाँ मिल रहा है, तो हम कहाँ से करेंगे? शैतान टाइम ही नहीं इस पर मिल पा रहा बाबू। तो इंग्लिश कैसे पढ़ोगे बाबू, इंग्लिश पढ़वाएंगे तो? सर तो अब तो स्कूल में 11:30 बजे छुट्टी हो जाता है, तो आप कर सकते हैं फिर। चलिए देखो सुजीत सर से बात कर। सर जितने इंग्लिश पढ़ने का नहीं मन है वो कंपलसरी नहीं बाबू, पढ़ेगा तो अलग से चार्ज लगेगा, सीधा सी बात है उनकी। क्योंकि टीचर इंग्लिश करके हम अपने पढ़ाएंगे नहीं बाबू, टीचर लाएंगे उनको सेपरेट टाइम देंगे, तो हमें पैसा कहाँ से देंगे बाबू? उतना तो आमदनी है नहीं बाबू, सारा पैसा विजिटिंग में ही जाता है, पेट्रोल गाड़ी ये वो मार्कर इंक। तो जो इंटरेस्टेड रहेगा पढ़ेगा सप्ताह में 3 दिन, ज्यादा नहीं फीस लेंगे है ना, हम देखते हैं कितना स्टूडेंट होता नहीं होता। एक टाइम टाइम सारे से टाइम पूछेंगे है ना, टीचर खोजना पड़ेगा या तो अपना रूम से पढ़ाएगा नहीं तो मेरे यहाँ आके पढ़ाएगा। धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट हमको ये कवर करना है बाबू, ऐसा करना है कि पूरे अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। सर आपका सर 70 स्टूडेंट हो गया सर। अरे शैतानी तो यही करते रहते, 70 स्टूडेंट हो गया बाबू। अभी देखो अब हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाना रहेगा, तो कैसे पढ़ाएंगे? हम अपने एक महीना बैठ जाएंगे, किसी टीचर को बुला लेंगे, एक महीना में हिस्ट्री उसको कहेंगे बेसिक से लेकर लेवल हाई तक 1 घंटा डेली 1.5 घंटा पढ़ा दे, हिस्ट्री कवर हो जाएगा। एक महीना और बैठ जाएंगे कभी तो ज्योग्राफी पढ़ा देंगे इसी फीस में, समझे? आपको इस तरह से पढ़ाएंगे ना कि आपका बुक का क्वेश्चन सब बन जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। सर हिस्ट्री ज्योग्राफी सर आप ही पढ़ाइएगा तो? नहीं मेरे लाल, जैसे मान लो हम बैठ जैसे 6 से 7 पढ़ते हो ना, ठीक है ना, तो उस वो क्लास हम साइंस नहीं पढ़ाएंगे, एक महीना कंटिन्यूस उसमें हिस्ट्री पढ़वा देंगे किसी टीचर को बुला के। जैसे कि अभी सर 9th में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है सर, सर बाबा राजा की मम्मी याद करते करते आप अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन रखो अपने पास, ठीक है ना सर, वो पढ़ा दीजिए। चलो ठीक है, पहले इसको पहले हम अपने सब्जेक्ट पहले कवर करेंगे तब ना बाबू। जल्दी लिखे जल्दी लिखे, धीरे धीरे आप लोग का सारा सब्जेक्ट हम शुरू करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से कवर होगा। ऐसा स्कूल की हड़बड़ नहीं है कि स्कूल का अपना बुक भी नहीं बन पाता ऐसा सारे स्टूडेंट से, दूसरे के बुक क्या बनाएगा, अपना स्कूल वाला तो बन ही नहीं पाता बाबू। अपने स्कूल का देखना, उसका बेचारा अपना स्कूल का बुक तो बनवे नहीं करेगा, दूसरे के स्कूल का क्या बनाएगा। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, जल्दी से लिखो। अब मम्मी आर्यन बाबू, आर्यन मम्मी, उसका मम्मी से बात नहीं हो पा रहा। एगो हमारे यहाँ बच्चा बच्ची आती थी पढ़ती उसका, उसको जैसे बोलते थे बाबू मम्मी गायब, जैसे बोले मम्मी गायब। सर आर्यन नहीं आती है? हाँ आते है, भाइयों आती है। उसके बाद पापा जी उसका वॉइस कितना तेज है सर। हाँ उसके बाद पापा जी उसको एक बार डोज दिए तब नहीं गायब होता। नेक्स्ट और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला क्या बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या बाबू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। बहुत ज्यादा गर्मी किए हुए था, सर बहुत ज्यादा। हाँ बाबू मेरे रूम में मेरा पूरा शर्ट भींगा हुआ, फैन चलता नहीं है, क्या किया जाए बताइए, चलेगा तो फिर वही पूरा हैंकी भींग चुका है ना, चलेगा तो फिर वही नागिन डांस शुरू हो जाएगा, फैन का बोर्ड पे आपको दिखेगा। हाँ सर और यहाँ प्रॉब्लम है, अगर फैन चलाऊंगी तो मेरा आवाज ही नहीं आएगा आपका, है ना। प्रॉब्लम क्या करो बाबू, बिना सेक्रीफाइस के कुछ होता नहीं है सर, एसी में पढ़ो तो नींद आएगा सर, इतना प्रॉब्लम है क्या करें। चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू, बातें मत करो। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इनफॉर्म मोशन स्पीड,
डिस्टेंस टाइम करा बाबू आप, इनफॉर्म स्पीड है ना, इनफॉर्म स्पीड। ठीक ठीक है, इसका ग्राफ कौन लिखना है? हाँ मेरे लाल नया पेज में लिख लो, इसका कौन ड्रा करके आएगा, हम दे देते इसका ग्राफ ड्रा करना। तो टाइम है बाबू और इधर से डिस्टेंस है, देखते हैं कौन ड्रा करता है। 10 बजे बाबू डिस्टेंस 0 कवर हुआ, मान लो 10 बज रहा था गाड़ी में तो 0 से चलना शुरू हुआ, 10:20 पे। लक्ष्मी कह यार ये धर्मवीर बाबू नहीं पता डिस्टेंस किलोमीटर बाबू, टाइम किस सर, मतलब इतना सारा ग्राफ ड्राइंग करना है? नहीं मेरे लाल बता रहे हैं 10:20 में वो 50 किलोमीटर गया, 10:00 बाबू 40 मिनट में बाबू कितना गया, 100 किलोमीटर गया डिस्टेंस किलोमीटर में, 10:60। तो 10:60 कितना बजेगा बताओ धर्मवीर, 10:60 में कितना बजेगा सर? 150। अरे मेरे लाल 10:60 कभी घड़ी में देखे? 11। हद कर दे बाबू आप लोग तो, 11 बजे बाबू 150 किलोमीटर, 11:20 में बाबू 200 किलोमीटर, 11:40 में 250 किलोमीटर कवर किया। तो इसका ग्राफ ड्रा करना, एक्स एक्सिस पे टाइम को रखो और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को रखो। गुड इवनिंग सर, सर रुक जाइएगा सर, हम लोग को टाइम दीजिएगा बनाने का। वेरी वेरी गुड इवनिंग शिवानी, सो गए शिवानी? शिवानी क्या मेरे लाल लाइन बनेगा सर ग्राफ में? हाँ मेरे लाल, हाँ ड्रा करो ना, ड्रा करो। ग्राफ बनाना है क्या सर? हाँ बाबू इसका ग्राफ बनाना है, दिखाओ तो शिवानी बना के जल्दी से। अभी बनाए सर, बनाओ ना, कितना टाइम हो गया? तो किसमें सर, कॉपी में या फिर ग्राफ नोटबुक में? कॉपी में बनाया, अब आप लोग का उम्र हो गया है ठीक है ना, कॉपी में बनाने वाला उम्र हो गया है, उस समय बच्चे थे इसलिए ग्राफ में बोले थे। ओके सर, आप फिजिक्स के फेयर वाला कॉपी में बनाइए आराम से, इसको बना के लाइएगा ठीक है ना, इस पे हम लोग कल क्वेश्चन कर लेंगे बहुत सारा, बना के लाइएगा ठीक है। इसका ग्राफ पढ़ेंगे वेलोसिटी का, हम लोग ग्राफ है ग्राफ पढ़ेंगे बाबू, बहुत सारा चीज पढ़ना है ग्राफ में, ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो कल से आपका शेड्यूल क्या है बाबू, 5 घंटा का बाबू? धर्मवीर कैसे बाबू, हमको तो समझ ही नहीं आता बाबू स्कूल। 5 घंटा सब पीरियड होगा। टाइमिंग क्या वजह से बाबू? टाइम मालूम, मतलब सर अभी क्या किए, दिख नहीं रहा जाना है बाबू।